हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें अपन समझेंगे कि थ्री कैंडल जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे वर्क करती है एंड क्या इसका पैटर्न होता है, ठीक है। आपने इस पर ट्रेड वगैरह कैसे लेनी है वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे तीन कैंडल्स ड्रॉ की, ठीक है। तीनों कैंडल्स की विक भी मैंने बना दे दी है, ठीक है। आपको बना दे रहा हूँ मैं अभी के भी विक्स की, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे काम करेंगे थ्री कैंडल्स। ठीक है, ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन बन गया। अब इस फॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी फर्स्ट कैंडल होगी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है उस लो को क्या करना चाहिए, जो भी सेकेंड कैंडल बनेगी वो या तो ब्रेक करनी चाहिए या इसको स्वीप करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक करे, स्वीप करे, या फिर ये कैंडल क्लोज भी कर दे तो भी चलेगा, या लाइक दैट कुछ इस तरीके से भी होता है तो भी चलेगा, इतना सा भी कुछ होता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन जो होता है उसमें मार्केट कैसे वर्क करता है, तो मार्केट क्या करता है, थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनाने के लिए जो रिचेस्ट कैंडल है यानी कि जो लेटेस्ट वाली कैंडल बनी है उस कैंडल का मार्केट लो लेता है। लो लेने के बाद अगर मार्केट इस कैंडल के हाई को क्लोज करता है, ठीक है, इस कैंडल के हाई को मार्केट क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा फर्स्ट कैंडल ही क्लोज करे। सपोज करिए मार्केट ने ये वन टाइम पे ये कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज कर दी एंड इसका विक कुछ इस तरीके से हो गया, तो आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। बट कभी कभार क्या होगा, सम टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट 5 से 6 कैंडल बना देगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो हो जाएगा फिर वहां पे। फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल के अंदर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थ्री कैंडल फॉर्मेशन के अंदर एंट्री करेंगे। अब थोड़ा सा इसको लाइव चार्ट पे समझते हैं, उसके बाद बाकी चीजें अपन देखते हैं। लाइव चार्ट पे क्लियर हो जाएगा अभी आपको, ठीक है। देखिए मार्केट क्या है, यहाँ से बाई साइड था मार्केट, यहाँ करेक्शन करने के लिए डाउन आया एंड अगेन बाई जा रहा है। तो फर्स्ट कैंडल आपकी जो है ये हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ने मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल का मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया, आपने क्या करना है, या इसको मार्केट टच करते ही लो को ये जो कैंडल है डायरेक्ट वन टाइम हाई लगाया और ये हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस केस में यहां से आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर बाई साइड, और एसएल आपका इसके नीचे रहेगा एंड फर्स्ट आई आपका इसका टीपी रहेगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे इसके लिए, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट कैंडल कौन सी हो गई, ब्लैक वाली, ये वाली फर्स्ट कैंडल हो गई ब्लैक, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। लो लेने के बाद मार्केट गया एंड इसको ब्रेक कर चुका है यहाँ पे, सिंगल कैंडल में डायरेक्ट मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड सेकंड कैंडल ये बनी, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट एक एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का मार्केट ने लो लिया और यहाँ पे इसी सेम कैंडल को वन टाइम कैंडल ने क्लोज कर दिया। कभी कभार आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम सिक्वेनरी जो सिक्वेशन है यहाँ पे एंड सिनेरियोज है वो यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए मार्केट क्या हुआ, इक्वल लगाया यहाँ पे मार्केट ने, सिनेरियोज आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या लगाया, इक्वल लगाया, ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये फर्स्ट कैंडल हो गई एंड ये सेकेंड एंड ये थर्ड। तो मार्केट ने कहाँ पे जाके क्लोज किया, मार्केट ने कुछ इस पॉइंट पे जाके क्लोज किया अपना, ठीक है। तो आप यहां से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, मार्केट इसका कोई कैंडल लो ही नहीं है, तो ये सेकंड कैंडल है, नहीं थर्ड कैंडल, ये भी एक पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। अब थोड़ा सेल साइड में देखते हैं, सेल साइड में कैसा रहेगा, सेल साइड में उल्टा रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, फर्स्ट कैंडल ये वाली आपकी, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। अब मार्केट को ये लो ब्रेक करना जरूरी है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसमें अपन क्या देखेंगे, इसमें हाई देखेंगे, इसमें अपन लो देखेंगे, सेल साइड में उल्टा हो जाता है,
कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहां पे कैंडल क्लोज की, ठीक है, एंड यहां पे मार्केट ने सेम कैंडल क्लोज की। तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन कहने का मतलब वही है, बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग है, जो स्विंग हाई और स्विंग लो के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बट अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा जो लास्ट वीडियो स्विंग हाई एंड लो से रिलेटेड, उस वीडियो को आप जाके एक बार देखिए, उससे आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।